به نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. میرے ساتھ مل کے پڑھیے الصلات والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. برادران ملت آج کی شب انتہائی اہم شب ہے. یہی وہ مبارک شب ہے کہ جس کی صبح صادق رحمت للعالمین
हुज़ूर अलैहिस्सलाम इस दुनिया में जलवागर हुए। इंशाअल्लाह तबारक व ताला तफसील के साथ गुफ्तगू सुबह बहरा की जो महफिल है उसमें होगी। ये नशिस्त जो ईशा के फौरन बाद यहाँ पर इनेकात पज़ीर होती है, मेरे नाना हुजूर अले रहमा वालिद मोहतरम अले रहमा के दौर से जारी व सारी है। बहुत सारी बातें हैं और तफसील तलब बातें हैं, लेकिन मैं ऐसी बातें जो आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनेंगी अर्ज करने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे गलतियों से महफूज फरमाए और गुफ्तगू में आसानी पैदा फरमाए। जितने लोग ये दीवारों से टेक लगाए बैठे हैं आगे तशरीफ ले आए, मिल करके बैठे, यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए, अपने आका अलैहिस्सलाम का जिक्र सुनने के लिए आए। बेदार बैठिएगा, सुभान अल्लाह माशाल्लाह से जुबान को तर रखिएगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये शब इंतहाई अहम शब है। इब्ने हिशाम ने कहा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अनु के यहां 5 बीवियों से 10 बेटे और 6 बेटियां पैदा हुई। बाज मुसन्निफीन ने लिखा और 15 बेटों के नाम गिनवाए और कहा कि सही ये है कि 6 बीवियों से 12 बेटे और 6 बेटियां पैदा हुई। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया फातिमा बिनते अमर बिन ज़ाइद बिन आईस के बदन अकदस से पैदा हुए हज़रत अब्दुल्ला। अब हम पढ़ते आए सुनते आए कि हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु सबसे छोटे बेटे थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेटों में वो सबसे छोटे थे। हम यही पढ़ते आए और यही जो स्कूल्स और कॉलेजेस की किताबें पढ़ाई जाती हैं उसमें यही लिखा, लेकिन मैं थोड़ा सा इस पर गुफ्तगू करता हूँ। बाज़ अहले इल्म ने कहा कि हज़रत अब्दुल्ला अपने वालिद मोहतरम के सबसे छोटे बेटे थे, एक तो ये बात। बाज़ ने कहा कि शायद इसका मतलब ये हो कि आपकी वालदा माजिदा से जन्म लेने वालों में आप सबसे छोटे बेटे थे, वरना अगर देखा जाए तो हज़रत सैदना अमीर हमज़ा रदी अल्लाह तु हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तु से उमर शरीफा में छोटे थे। इसी तरह हज़रत अब्बास रदी अल्लाह तु भी हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह तु से छोटे थे। हज़रत सैदना अब्बास रदी अल्लाह तु फरमाते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की विलादत बासादत ये अच्छी तरह से याद है। मैं उस वक्त 3 साल या इसके लगभग था, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम को लाया गया तो मैंने आपको देखा कि औरतें मुझसे कहने लगी। जब मैं आपकी तरफ देख रहा था तो घर की औरतें मुझसे कहने लगी अपने भाई को चूमो, अपने भाई का बोसा लो, अपने भतीजे का बोसा लो।
तो फरमाते मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने आपको चूमा। अल्लाहु अकबर। तो अब बाज अहले इल्म फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्ला किस तरह सबसे छोटे हो सकते हैं। एक बात तो ये जहन में रखें, बकाई ज़ियाद बिन अब्दुल्ला बिन तुफैल आमरी ने कहा यह मुमकिन है कि जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उनको कुर्बान करने का इरादा किया तो वो उस वक्त मौजूदा औलाद में सबसे छोटे थे, फिर उनके बाद हजरत सैदना अमीर हमजा और फिर हजरत सैदना अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुम इस दुनिया में जलवागर हुए। अल्लाहु अकबर। तो ये बात जहन में रखिएगा कि इसमें इख्तलाफ है कि हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला हुजूर के वालिद माजिद ये सबसे छोटे थे या नहीं थे, इसमें इख्तलाफ है और ये इख्तलाफ मैंने आपके सामने रखा। आइए आगे बढ़ते हैं। हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला इंतहाई खूबसूरत इंसान थे, और खूबसूरत क्यों ना हो कि आपकी पुश्त में नूर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम मौजूद था। अल्लाह अकबर। मक्का मुकर्रमा की बहुत सी नौजवान खूबसूरत लड़कियों और औरतों ने आपके हुस्न व जमाल से मुतासिर होकर आपको अपनी तरफ मुतवज्जे करने की भरपूर कोशिश की, हत्ता के बाज ने बड़ी दौलत की पेशकश भी की। इब्ने हिशाम ने भी इसे लिखा, इब्ने इसहाक के हवाले से नकल किया कि बनी असद बिन अब्दुल उज्जा की एक औरत मदारिजुल नबुवत में उसका नाम रुकैसा आया, बाज ने उसका नाम कुतैला लिखा, काने काबा के पास खड़ी थी। जब उसकी नजर हजरत सैयदना अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला पर पड़ी तो आपके हुस्न व जमाल पर फरिश्ता हो गई और कहने लगी, आए अब्दुल्ला, वो 100 ऊंट जो तुम पर फिदा किए गए, मैं इस पर तफसील के साथ गुफ्तगू कर चुका हूं कि हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला के लिए 100 ऊंट और फिर कुरानदाजी किस तरह से हुई। यह बड़ा तफसील तलब वाकया है, किताबों में आप इसको पढ़ सकते हैं। तो वो औरत कहने लगी कि अब्दुल्ला, वो 100 ऊंट जो तुम पर फिदा किए गए मैं अपनी तरफ से तुम्हें देती हूं, बशर्त है कि तुम मेरे साथ मुबाशरत के लिए राजी हो जाओ। इज्जत माफ हजरत सैयदना अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला ने उसकी इस पेशकश को पाए हिकारत से ठुकरा दिया और दामनते इस्मत को बचाकर हजरत अब्दुल्ला आगे की तरफ रवा दवा हो गए। अल्लाहु अकबर। एक बात तो ये मिलती है। इसी तरह हाफिज अबू नौईम और खराइती और इब्ने असाकिर ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला से रिवायत की कि मक्का मुकर्रमा की एक निहायती हसीन और जमील औरत बड़े भरपूर अंदाज हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला से इजहार मोहब्बत किया और 100 ऊंट बतौर तोहफा पेश करना चाहा ताकि आप उसकी नाजायज ख्वाहिश पूरी कर दें। तो उस औरत की इस दरख्वास्त के जवाब हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम सैयदना अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला ने फरमाया, अब अल्फाज सुनिएगा जरा, फरमाया, इस हराम फेल के करने से तो मर जाना बेहतर है, इस हराम फेल के करने से तो मर जाना बेहतर है, अगर इसके सिवा कोई दूसरा तरीका है तो वो सिर्फ और सिर्फ निकाह है, कोई तरीका अगर है तो वो निकाह है और मैं इसको पसंद करता हूं, मगर इसके लिए शर्त है कि निकाह ऐलानिया होना चाहिए, अलल ऐलान निकाह होना चाहिए। अल्लाहु अकबर। तुम मुझे बहकाने की कोशिश करती हो मगर मैं शरीफ इंसान, और शरीफ इंसान पर लाजिम है कि वो अपनी इज्जत की और अपनी इस्मत की और अपने दीन की हिफाजत करे। अल्लाहु अकबर। की बहुत बड़ी बात है, यानी आप जरा सोचें कि वो दौरे जाहिलियत के जब जिना को ऐब नहीं समझा जाता था बल्कि फकर समझा जाता था
और वो दौर तो ऐसा था कि जब औरतें और मर्द ये बरहना होकर के काबे का तवाफ किया करते थे, अल्लाहु अकबर, ऐसे दौर में हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला के ये अल्फाज हमारे लिए मीनारे नूर की हैसियत रखते हैं। आज के इस दौर में कि जब बहरा रवि आम हो गई, आज के इस दौर में कि आप मोबाइल के गूगल पर जाकर या यूट्यूब पर जाकर कुछ लिखें तो आप देखें कि फिर क्या हाल होता है। अल्लाहु अकबर, याद रखना कि गुनाह करना आसान है, बड़ा आसान हो गया आज के दौर में गुनाह करना, लेकिन गुनाहों से बचना अल्लाहु अकबर ये मुश्किल काम है। लेकिन जब इंसान गुनाहों से बचने की कोशिश करता है तो अल्लाह की मदद उसके शामिल हाल रहती है और अल्लाह तबारक व तआला एक एक कदम पर उसे ढेरों नेकियां अता फरमाता है। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इससे महफूज फरमाए और हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला का उस फेल से महफूज रहना ये नूर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह ही से भी था। बाज ने कहा ये इस वजह से भी था, लेकिन याद रखें कि बचाने वाली जात अल्लाह तबारक व तआला की है। अल्लाहु अकबर। तो हुजूर अलैहि सलाम के फरमान जीशान का मफहूम यह है कि मेरे पूरे नसब में, हुजूर ने फरमाया मेरे पूरे नसब में कहीं भी हजरत आदम तक सिफा यानी जाहलियत का नामो निशान तक नहीं है मेरे पूरे नसब। अल्लाहु अकबर। हुजूर के आप अगर दोनों तरफ से चले, हुजूर की प्यारी नानी जान से चले, इस पर तहकीक की गई, 500 हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोया कहले में समझाने के तौर पे कहूं कि नानियों पर तहकीक की गई, हुजूर अलैहिस्सलाम की दादियों पर तहकीक की गई, अल्लाहु अकबर, अल्लाह तबारक व ताला ने सबकी हिफाजत फरमाई, सबकी हिफाजत फरमाई। और हुजूर ने खुद फरमाया मैं हमेशा पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल किया गया। अल्लाहु अकबर। इधर नाना की तरफ से चले, इधर आप दादा की तरफ से चले, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नसब मुबारका की अल्लाह तबारक व ताला ने हिफाजत फरमाई। मुदारिज नबुव्वत में है कि कुछ अहले किताब बास अलामतों और निशानियों से पहचान गए थे कि नबी आखिरुज़्ज़मान सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद गिरामी हजरत सिदना अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला की सुलभ में वदियत है। सुलभ कहते हैं पुश्त, पुश्त में मौजूद है। इसलिए अतराफ व अकनाफ से हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला को हलाक करने की नीयत से ये मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने लगे कि किसी तरह से हजरत अब्दुल्ला को निशाना बनाया जाए, उन्हें कत्ल कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर। एक दिन हजरत सैयदना अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला जंगल में किसी काम की गर्ज से तशरीफ ले गए। वहां मुल्क के शाम के कुछ अहले किताब तलवारों से आप पर हमला आवर हो गए। इत्तेफाकन हजरत सैयदा आमिना रदी अल्लाह तआला के वालिद माजिद हजरत वहब बिन मुनाफ जंगल में मौजूद थे। वो इन हमला आवरों को देखकर फिक्रमंद हो गए। फिर उन्होंने देखा कि यकायक चंद सवार गैब से नमूदार हो गए और उनकी शक्ल सूरत आम इंसानों जैसी नहीं थी। उन्होंने इस हमला आवर जमात को मार भगाया। वहब बिन मुनाफ इस वाक्य से बड़े मुतासिर हुए, घर आकर अपने अहले खाना से फरमाया कि मैं अपनी लख्त जिगर हजरत सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला के बेटे अब्दुल्ला से करना चाहता हूं। अल्लाहु अकबर। फिर उन्होंने अपने दोस्तों के जरिए से हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इस बात से मुत्तले किया। वो खुद भी किसी ऐसी खातून की जुस्तजू में थे जो शर्फ के लिहाज से, हसब व नसब के लिहाज से, इज्जत के लिहाज से, इफ़त के लिहाज से मुमताज हो। तो हजरत सैयदना आमना बिनते वहब में अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी सिफात बदरजाए अतम मौजूद थी, बदरजाए
अतम मौजूद थी, इसलिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इस रिश्ते को पसंद फरमाया और सईदना अब्दुल्ला का हजरत सईदना आमना से निकाह कर दिया। अल्लाहु अकबर, निकाह हो गया। अब यहां जहन में रखें कि हुजूर अलैहिस्सलाम की नानी का नाम बर्रा और हुजूर अलैहिस्सलाम की परनानी का नाम उम्मे हबीब बिनते असद है। अल्लाहु अकबर, तो ये निकाह यहां पर हो गया। अब जितनी किताबें लिखी गई हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत पर, मैं जरा उनका एक खुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूं। सही कौल के मुताबिक हुजूर अलैहिस्सलाम का नूर मुकद्दसा शिकम सईदा आमना रदी अल्लाह तआला में अय्याम हज के दौरान शब जुमा जलवा गर हुआ। अहदीस मुबारक में है कि उस मुबारक वक्त आलम मलकूत में, आलम मलकूत पूरी सल्तनत में निदा की गई, सारे जहां को अनवार कुद्स से मुनव्वर करो, जमीन और आसमां के तमाम फरिश्ते खुशी और मुसर्रत में झूम उठे, और दरोगाए जन्नत को हुक्म हुआ कि फिरदौस से आला खोल दो, सारे जहां को खुशबुओं से मुअत्तर कर दो, जमीन और आसमां के हर तबका हर मकाम में मुजदा सुना दो कि नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज की रात शिकम में सैयदा आमना में जलवागर हो चुका है, अब आपके जहूर का वक्त करीब आन पहुंचा है, यकीनन तमाम जहां को मुनव्वर मुशर्रफ और मसरूर होना चाहिए। अल्लाहु अकबर। मरवी है कि उस रात की सुबह को रूए जमीन के तमाम बुत औंधे पाए गए, शयातीन का आसमान पे चढ़ना ममनू करार दे दिया गया, दुनिया के तमाम बादशाहों के तख्त उलट दिए गए। अल्लाहु अकबर। उस रात हर घर रोशन और मुनव्वर हुआ, कोई जगह ऐसी ना थी जो अनवार कुद्स से जगमगा ना रही हो, और कोई जानवर ऐसा ना था जिसको कुव्वत गोयाई ना दी गई हो और उसने बशारत न दी हो। मशरिक के परिंदों ने मगरिब के परिंदों को खुशखबरियां सुनाई। अल्लाहु अकबर। ये मामलात जो सीरत पर किताब लिखी गई, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। कुरेश का ये हाल था कि वो शदीद कहत और अजीम तंगी में मुबतला था, चुनाचे तमाम दरख खुश हो गए थे, खुश्क थे, तमाम जानवर नहीफ और लागर हो गए, कमजोर हो गए थे। फिर हक ताला ने बारिश भेजी, जहां बर को सरसबो शादाब किया, दरख्तों में तरोताजगी आ गई, खुशी और मुसर्रत की ऐसी लहर दौड़ी कि कुरेश ने उस साल का नाम सनतुल फतही वल इब्तिहाज यानी फतह और खुशहाली का साल रख दिया। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या शान है मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आगे देखिए आप, सय्यदा आमिना फरमाती है, मुझे मालूम ही ना था कि मैं हामिला हूं, हाँ इतना था कि अय्याम खास बंद हो गए थे। हजरत सय्यदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह उन्हें रिवायत करते, गोया हजरत सय्यदा आमिना के रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम से हामिला होने के दलाइल में से एक बात यह थी कि कुरैश के हर चौपाए ने उस रात गोयाई की और कहा कि कसम है खाने काबा के रब, आज रात अल्लाह के रसूल अपनी वालदा के शिकम अकदस में जलवागर हो गए हैं, जो सारी दुनिया के इमाम और तमाम जहां वालों के लिए आफताब है। अल्लाहु अकबर। एक और रिवायत की अल्फाज, सारी मखलूक में सबसे अफजल से हामला हो, उस वक्त मुझे मालूम हुआ, हजरत आमिना फरमाती मैं हमल से हूं, फरमाती है मैं हमल के हर महीने में आसमान और जमीन के दरमियान ये आवाज सुना करती, तुम्हें मुबारक हो। वो वक्त करीब आन पहुंचा कि अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवा अफरोज होने वाले हैं, जो साहिब खैर व बरकत हैं,
سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، حضور کریم علیہ السلام میرے شکم میں تھے، ایک دفعہ مجھ سے ایک ایسا نور نکلا جس سے سارا جہاں منور ہو گیا اور میں نے بصرہ کے محلات دیکھے۔ اچھا، اسے بصرہ بھی کہا گیا، پرانی کتابوں میں بصرہ بھی اسے کہا گیا۔ بصرہ کے محلات دیکھے، بصرہ شام کی جانب ایک شہر کا نام۔ اسی قسم کا واقعہ ولادت شریف کا اور طرح سے بھی اہل علم نے جو ہے ذکر فرمایا۔ سیدہ آمنہ کے بطن اقدس سے یہ بات بڑی کمال کی ہے، سیدہ آمنہ کے بطن اقدس سے رسول اللہ علیہ السلام کے سوا کوئی اور فرزند پیدا ہی نہیں ہوا، اور حضرت عبداللہ سے حضور کے سوا کوئی اور بیٹا پیدا ہی نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، جب آپ کے حمل کے روب و دبدبے کا یہ عالم ہے تو آپ کی ولادت کا کیا عالم ہو؟ اللہ اکبر۔ یہ شان حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ اپنی زبان ناز سے جو ہے وہ بیان فرما رہی ہیں۔ عام الفیل 571 سن عیسوی، اند الباس 570 سن عیسوی، وہ نور مقدس جو تخلیق آدم سے بہت پہلے خلق ہو چکا تھا، بطور امانت سپرد آدم ہوا، پھر ابو البشر سیدنا آدم سے نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا سیدہ آمنہ کے پاس جلوہ گر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ 12 ربیع الاول شریف بوقت صبح، بوقت صبح جبکہ رات اپنے سیاہ دامن میں زمانے بھر کی ظلمتیں سمٹے جا رہی تھی، ستارہ صبح آفتاب جہاں تاب کی آمد کا بھی اعلان کر ہی رہا تھا کہ آغوش سیدہ آمنہ میں خورشید رسالت ماہ نبوت کی جلوہ گری ہو گئی۔ حضور علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ اہل عرب چہرے کو بھی ربیع کہہ دیتے ہیں اور موسم بہار کو بھی ربیع کہا جاتا ہے، چونکہ یہ سب چیزیں حضور کی جلوہ گری ماہ ربیع الاول اور موسم یکجا ہو گئے، تو اس پر ایک عربی شاعر جھوم اٹھا، وہ کہتا ہے ربیعن فی ربیعن فی ربیعن و نورن فوق نورن فوق نورن۔ آپ علیہ السلام کی آمد ماہ ربیع الاول شریف میں موسم بہار میں ہوئی اور آپ کی نوری ولادت مبارکہ موضات مبارکہ کے ساتھ ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اہل عرب عموماً لڑکیوں کی پیدائش پر غم مناتے تھے، جبکہ بعض نوزائیدہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ رب ذوالجلال نے ولادت باسعادت کے سال، یعنی جب سرکار کی ولادت ہوئی تو جتنے گھر میں اور ولادتیں ہوئی رب العزت نے سب کو بیٹے عطا فرمائے، تاکہ نہ تو کسی گھر میں غم ہو اور نہ کسی بچی کو ظلمن دفن کیا جائے۔ یہ سب صدقہ تھا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا وہ باتیں جسے ہم کہتے ہیں خوارق عادت، عادت سے ہٹ کر جو باتیں ہوئیں ذرا میں ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے وقت میں گھر میں اکیلی تھی، حضرت عبد المطلب طواف کعبہ میں مصروف تھے، میں نے لیٹے لیٹے جو ہی اوپر کو دھیان کیا تو دیکھا کہ کوئی بڑی شے چھت کے راستے سے گھر میں آ رہی ہے، اس سے مجھ پر ہیبت چھا گئی، معان مجھے یوں معلوم ہوا کہ جیسے ایک سفید رنگ کے پرندے نے اپنے پر میرے جسم پر ملے ہو، جس سے وہ خوف و ہراس زائل ہو گیا، پھر وہ دودھ کی طرح کی کوئی شے مجھے پینے کو دی گئی، جس سے مجھے مزید سکون اور قرار مل گیا، پھر میں نے دراز قامت اور خوبصورت عورتیں دیکھی جو کہ عبد مناف یا عبد مناف کی بیٹیوں سے ملتی جلتی تھی، وہ میرے ارد گرد جمع ہو گئی، میرا حال پوچھنے لگ گئی،
फिर मैंने एक सफेद रंग की चादर देखी जिसे जमीन से लेकर आसमान तक आवेजा किया गया था। फिर मैंने देखा कि मेरा कमरा निहायत खुशनुमा परिंदों से भर गया, उनकी चोंचें याकूत और पर जमरत या जमुर्रुद की तरह मालूम हो रहे थे। फिर यकायक मेरी निगाहों के सामने से हिजाबात को उठा लिया गया और मैंने जमीन के मशारिक व मगारिब को देख लिया। मैंने जमीन के मशारिक और मगारिब को देख लिया। आगे सुने, मैंने देखा तीन झंडे लहरा रहे हैं, उनमें से एक मशरिक में है, दूसरा मगरिब में है, तीसरा कान काबा की छत पर नस्ब है। बाद अज़ां बहुत सी औरतें मेरे इर्द गिर्द जमा हो गई। इसी दौरान हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हो गई। अल्लाह अकबर। सैयदा आमिना फरमाती हैं, विलादत के बाद मैंने हुजूर की तरफ जब देखा तो आपने अपना सरे मुबारक सजदे में रखा हुआ, अंगुष्ट मुकद्दसा आसमान की तरफ उठाए, रूए ताबा चौदहवीं रात के चांद की तरह रोशन, आंखें कुदरती तौर पर सुरमगी, इसका माना सुरमा लगी हुई, सुरमगी थी, जबकि दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत शरीफा मौजूद थे। सैयदा आमिना फरमाती है, विलादत मुकद्दसा के वक्त मैंने ऐसा अजीम शान नूर देखा जिससे सारा जहां रोशन हो गया, यहां तक कि मैंने अपने कमरे में लेटे लेटे मुल्क के शाम के महलात देखे। मैं ताजुब कर रही थी जबकि नूर का मंबा खुद मेरा जिस्म और मेरा अपना वजूद था। अल्लाह अकबर। हजरत इरबाद बिन सारिया फरमाते हैं, हुजूर नूर मुजस्सम रहमत आलम ने इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह ताला के हुजूर खातमन नबीन लिखा हुआ था, हालांकि हजरत आदम अभी गूंदी हुई मट्टी ही में थे, यानी अभी रूह मुबारका और जसद अनवर में रूह मुबारका दाखिल ना हुई थी। मैं तुमको अपने अमर की इब्तिदा से मुत्तले करता हूं। फरमाया, सुनो, मैं हजरत इब्राहिम की दुआ हूं, मैं हजरत ईसा की बशारत हूं, मैं अपनी वालदा का ख्वाब हूं कि जब मेरी वालदा आए मेरी विलादत बासादत हुई तो मेरी वालदा मोहतरमा से एक नूर निकला कि जिससे मुल्क के शाम के महलात रोशन हो गए। ये जो कहा गया रोशन हो गए, माना यह है कि नजर आने लग गए। अल्लाह अकबर। ये शान सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब फरमाती है, हुजूर अलैहि सलाम की विलादत बासादत के वक्त मैं भी सैयदा आमना खातून की खिदमत में हाजिर थी। मैंने देखा कि आपके नूर मुकद्दस के सामने चिराग की रोशनी मांद पड़ गई, चिराग की रोशनी जो है वो मान पड़ गई। उस्मान बिन अबिल आस अपनी वालदा मोहतरमा से रिवायत करते, उन्होंने बताया कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की विलादत बासादत के वक्त मैं हजरत सय्यदा आमना खातून के पास हाजिर थी। मैंने देखा कि आसमान के सितारे जमीन के नजदीक आ गए। मैं डर गई कहीं मुझ पर गिरना पड़े, इतने नजदीक आ गए कहीं मुझ पर गिरना पड़े। उम्मे हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औब इन जैसे कई अजाइबात का जिक्र करके फरमाती हैं, ये बात हमेशा मेरे दिल में जमी रही, यहां तक कि हुजूर रहमत आलम ने ऐलान नबुवत फरमाया और मैं फौरन इस्लाम लाकर साबिकीन अव्वलीन यानी पहले ईमान लाने वालों में शामिल हो गई। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहि सलाम की शबे विलादत बादशाह ईरान किसरा के महल में एक बड़ा जलजला आया जिससे उसके महल के 14 कंकरे गिर गए। किसरा महल के जूं लरजने और कंकरों के गिरने से खौफ ज़दा हो गया। हर चंद के वो अपने खौफ को छुपाता था लेकिन इत्मीनान कल्ब जाता रहा। सुबह हुई तो तख्त पर बैठते ही उसने अपने खास वुज़रा और दानाओं को हालात गुज़िश्ता से मुत्तले किया। अभी उसकी बात खत्म ना हुई थी कि उसे आतिश ईरान के बुझने की खबर मिल गई। यह आतिश गदा तकरीबन 1000 साल से मुसलसल रोशन था। चूंकि अहले फारस आतिश परस्त थे इसलिए उन्होंने इस आतिश गदे को किसी भी हालत में बुझने नहीं दिया। अब वो यक लख्त बुझ गया तो यह सुनकर बादशाह का गम और भी बढ़ गया। इसी दौरान उसके सबसे बड़े काजी
और चीफ जस्टिस मोबीजान ने अपना ख्वाब बयान किया कि उसने देखा कि बहुत से मोटे ताजे कवी हैकल ऊंट और सरकश चुस्त और चालाक अरबी घोड़े सर पर दौड़े आ रहे हैं। उन्होंने दरिया दजला को अबूर किया और सारे मुल्क में फैल गए। बादशाह ने बेचैन होकर मुबीदान से पूछा, अब क्या होगा? उसने कहा, मुझे लगता है कि अरब में कोई वाकिया जहूर पजीर हुआ है। अल्लाहु अकबर। फिर इन कब्रों ने बादशाह को मजीद हैबत ज़दा कर दिया कि यकायक दरिया सावा का सारा पानी जमीन में धस गया है और दरिया सहरा का मंजर पेश करने लगा है। इसके बरक्स 1000 साल से खुश्क दरियाए वादी समावा ये पानी से लबालब हो गया है। अल्लाहु अकबर। इन हैरान कुन और लर्जा देने वाली खबरों की हकीकत जानने के लिए बादशाह ने काहिनों से राबता किया, हुक्म दिया। बादशाह का एलची उस वक्त के सबसे बड़े काहिन सतीह के पास पहुंचा। उस वक्त सतीह करीबुल मर्ग था और उस पर बेहोशी तारी थी। बादशाह के एलची अब्दुल मसीह ने सतीह को बादशाह का सलाम कहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अब्दुल मसीह ने चंद अशार पढ़े जिन्हें सुनकर के वो हंसा और बोला कि अब्दुल मसीह एक तेज रफ्तार ऊंट पर सती के पास आया है जिसकी मौत करीब है। फिर बोला, तुझे सासानियों के बादशाह ने भेजा है, ऐवान में जलजला आ गया है, फारस नारे फारस बुझ गई है, मुबीजान ने ख्वाब देखा कि ताकतवर ऊंट अरबी घोड़ों को खींच रहे हैं और दरिया दजला को अबूर करके सारे मुल्क में फैल गए हैं। ऐ अब्दुल मसीह, ये वक्त है कि जब कुरान की तिलावत कसरत के साथ की जाए। सुन लो, वक्त आन पहुंचा, कुरान की तिलावत कसरत के साथ होगी। हामिले आसा यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस होंगे, वादी ये समावा पानी से उबलने लगेगा, बोहिराए सावा खुश्क हो जाएगा, फारस का आतिश गदा बुझ जाएगा। बस बादशाह के महल के 14 अदद कंकरे जब गिरेंगे तो इसके मुताबिक बादशाहों के फिर जो कुछ होना होगा हो जाएगा। बस अब सती की जिंदगी का दर दुनिया में नहीं रहेगा। ये कहते ही सती इस दुनिया से कूच कर गया, उसकी रूह परवास कर गई। किसरा के एलची ने वापस आकर सब वाकिया बादशाह के गोश गुजार किया। चूंकि किसरा के महल के 14 कंकरे गिरे थे, इसलिए बादशाह ने लापरवाही से कहा, जब तक हमारे 14 बादशाह यके बाद दीगरे गुजरेंगे तब तक तो ना जाने क्या से क्या हो जाएगा। वो समझता था कि शायद 14 बादशाह कई 100 साल में होंगे, मगर अल्लाह की कुदरत, उनमें से 10 बादशाह तो 4 साल ही में दुनिया से चले गए। अल्लाहु अकबर। और बाकी 4 सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला के दौर खिलाफत तक हुक्मरान रहे और यूं आपके दौर खिलाफत में फारस का आखिरी बादशाह भी मर गया। अल्लाहु अकबर। कराइती और इब्ने असाकिर उरवा से रिवायत करते हैं, कुरैश के कुछ अफराद जिनमें वरका इब्ने नौफल, जैद बिन अमर, उबैदुल्लाह बिन जहश, उस्मान बिन हुवैरिस शामिल थे, एक शब बुतखानी की तरफ आए तो देखा कि बड़ा बुत मुंह के बल गिरा पड़ा है। इन लोगों ने बुत की इस हालत को मुनासिब ना समझा और उसे उठा करके सीधा खड़ा कर दिया, लेकिन फिर वो धड़ाम से गिर गया। उन्होंने फिर सीधा किया, फिर वही हुआ। ये वो शब थी जिस शब की सुबह नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत मुकद्दसा हुई। अल्लाहु अकबर। इस मौके पर उस्मान बिन हुवैरिस ने कुछ अशार कहे जिसका तर्जुमा इस तरह से बनता है, ऐ सनम, तेरे पास दूर दराज से सरदाने अरब जमा हो रहे और तू उल्टा गिरा पड़ा है, बता तो क्या बात है, कहीं तू कोई खेल तो नहीं खेल रहा? अगर हमसे कोई गुनाह हुआ है तो हम अपनी खता का इकरार करते और आइंदा गुनाह ना करने का वादा करते, और अगर तू जलील और मगलूब होकर झुक गया है तो फिर तो आज से ना ही बुतों का सरदार है ना ही तू हमारा रब है। ये कहकर या दूसरे लफ्जों में वार्निंग देकर बुत को फिर खड़ा किया। उसमें से आवाज आई,
یہ سنم تباہ ہو گیا اس نو مولود کی وجہ سے جس کے نور سے ساری دنیا روشن ہو گئی۔ ساری سنم اس کی آمد پر گر پڑے، بادشاہوں کے دل اس کی ہیبت سے کانپنے لگے، نعرے فارس بجھ گئی جس کی وجہ سے شاہ فارس غم سے بھر گیا، کاہنوں سے ان کے جن بھاگ گئے، اب انہیں جھوٹی سچی خبریں سنانے والا کوئی نہ رہا۔ اے خسا کی اولاد، اپنی گمراہی سے باز آ جاؤ اور اسلام کے کشادہ دامن امن میں پناہ لے لو، باز آ چھوڑ دو یہ سب اور اسلام کے کشادہ دامن میں پناہ لے لو۔ اللہ اکبر، بہت ساری باتیں ہیں لوگوں، آپ پڑھتے چلے جائے، سنتے چلے جائے۔ میں نے کہا نا، میں کیا، میری نسلیں ختم ہو جائیں، آمنہ کے لال کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی، لیکن میں سنا دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کو کئی عورتوں نے دودھ پلانے کی سعادت حاصل کی، تعداد میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو 8 عورتوں نے دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا، جبکہ بعض نے اس سے بھی زیادہ تعداد بتائی۔ ان عورتوں میں آپ کی والدہ ماجدہ کے علاوہ خولہ بنت منذر نے بھی آپ کو دودھ پلایا، حضرت ام ایمن نے بھی آپ کو دودھ پلایا۔ اللہ اکبر، قبیلہ حوازن کی 3 خواتین، حضرت حلیمہ سعدیہ نے بھی آپ کو دودھ پلایا، ایک اور خاتون ان کا نام بھی سعدیہ ہی تھا، انہوں نے دودھ پلایا۔ ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا۔ مدارج النبوت میں یہ بات موجود، سیدہ آمنہ کے بعد سب سے اول جنہوں نے حضور کو دودھ پلایا وہ ابو لہب کی لونڈی سویبہ تھی۔ جس شب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی، سویبہ نے ابو لہب کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا، تمہارے مرحوم بھائی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس پر ابو لہب نے خوش ہو کر بطور انعام سویبہ کو آزاد کر دیا اور کہا کہ جاؤ اس نو مولود کو دودھ پلاؤ۔ چنانچہ سویبہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانا شروع کیا۔ اللہ اکبر، اب سنیے آپ، ابو لہب کے مرنے کے بعد حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا، اے دشمن خدا و رسول، تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، تم سے جدا ہو کر مرنے کے بعد مجھے سکون نہ ملا، سخت عذاب میں گرفتار ہوں، البتہ سویبہ کو آزاد کرتے وقت جس انگلی سے اشارہ کیا تھا، ہر پیر کے دن اس انگلی سے مجھے ٹھنڈا اور شیریں پانی مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس دن کے عذاب میں تخفیف محسوس کرتا ہوں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، باوجود کہ ابو لہب کافر تھا، اس کی مذمت میں قرآن مجید کی پوری سورت نازل ہو چکی۔ جب اس نے حضور کے میلاد کی خوشی منائی اور اپنی باندی کو دودھ پلانے کی خاطر آزاد کر دیا، حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے حق تعالیٰ نے اسے اس کا بدلہ عنایت فرمایا۔ فرماتے، سوچو پھر ایمان والوں کو کیا کیا ملے گا، فرماتے سوچو۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ سوچو کہ اہل ایمان کو جو ہے وہ کیا کیا ملے گا۔ اللہ اکبر، اور یاد رکھو آخری بات، ابو لہب نے خوشی منائی بھتیجے کی پیدائش، ہم خوشی مناتے ہیں اپنے آقا کی پیدائش۔ اللہ اکبر، جب اسے انعام ملا ہے، باوجود کہ اس کے حق میں سورہ لہب نازل ہوئی، اللہ اکبر، تو مسلمانوں کو کیا کیا انعامات ملیں گے۔ لوگوں، باتیں بہت ہیں، یہ کم از کم جو ہے وہ 184، یہ 84 پیج، 84 پیج اس کو میں نے تیار کیے، چلو کہیں پر گفتگو ہوگی تو میں اسے کروں گا، جہاں لوگ دل سے گفتگو کو سماعت فرمائیں تو وہاں پر یہ گفتگو کروں گا۔ تو الحمدللہ آج یہ گفتگو کام آ گئی، باتیں بہت ساری ہیں، انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ہم ایک بریک کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔